नहीं टूटी है ईशा की दोस्ती किसी भी दोस्त से। ईशा की मम्मी का जब कल से प्रोमो देखा है और आज जो है एपिसोड में देखा है, तब उसके बाद जो है कल से आज तक इनकी दोस्ती के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। और मैंने भी अपनी चर्चा जो है अपनी वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाई थी कि भाई जब इन दोस्तों को घर के अंदर के लोग नहीं तोड़ पाए, जब मेकर्स नहीं तोड़ पाए, तब इन्होंने जो है एक इमोशनली एक तलवार जो है ला के सामने रख दी, वो भी माँ ईशा की। पर अगर देखा जाए कि ईशा की मम्मी ने जो है बहुत ही कमाल की बातें और बहुत ही सुलझी हुई बातें जो है अपनी बेटी को कही हैं। उन्होंने कहीं पर भी अविनाश को गलत नहीं बोला, ना विवियन को बोला, ना इनकी दोस्ती को गलत बोला। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के अस्तित्व को और भी ज्यादा दिखाने के लिए उसको सिर्फ और सिर्फ जो है बोला है कि भाई तुम अपना अस्तित्व जो है वो दिखाओ। कमाल की बात बोली है। अभी जैसे कि वो बोल रही है कि हाँ भाई दोस्ती है आपकी, दोस्ती कमाल की है, तुम जो भी कर रही हो तुम बहुत अच्छा कर रही हो। एक माँ का रिश्ता जो है कोई तोड़ नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता है। जब तुम मेरे मेरे हाथ में आई थी तभी मुझे प्राउड फील हुआ था। और ईशा भी भाई बहुत ही कमाल की चीज़ें कर रही है और बहुत सुलझी हुई चीज़ें जो है वो करती है। स्टार्टिंग में इतनी अच्छी नहीं लग रही थी ईशा और एलिस, पर अब जो है जाते जाते लोग जो है ईशा को भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लग गए हैं। थोड़ा बहुत जो है वो एलिस के ऊपर जो है थोड़े बहुत कभी डालमडोल हो जाते हैं, क्योंकि एलिस भी जो है वैसी डालमडोल है, वो क्लियर नहीं है। पर ईशा काफ़ी ज़्यादा क्लियर है अपने रिश्तों को लेकर। पर अब जो है 24 आवर चैनल जो है वो स्टार्ट हो चुका है और मम्मी भी आके जा चुकी है। और ईशा का अभी अभी जो लाइव फीड में दिखाई दे रहा है, अभी ये सब चीज़ें हुआ है, सलमान खान जा चुके हैं, लाइव फीड की बात कर रही हूँ। तो ये लोग आराम से चारों बैठ के गार्डन एरिया में भेजा हुआ बेकर्स द्वारा खाना जो है डिब्बों में मस्त खा रही हैं और गार्डन में जो है डिनर कर रही हैं, मतलब कि रात का कमाल का डिनर जो है, साथ में हंसते हंसाते बात कर रही हैं। तो कोई भी इनकी दोस्ती में फ़र्क आया नहीं है और कोई भी ऐसी बात जो है वो ईशा की मम्मी ने की भी नहीं है जो कि इनकी दोस्ती में फर्क आए। इवन बहुत ही अच्छी मुझे बात ईशा की मम्मी की ये लगी कि जैसे कि उन्होंने बोला कि किसी की तुम्हारे दोस्तों की लड़ाई होती है तो वहां पर बाजू में बैठो मत, वहां पर जाओ और जाके अपना ओपिनियन रखो, स्टैंड लो। ये बहुत ही कमाल की बात की है। और मतलब कि ऐसा कोई करता नहीं है, ऐसा कोई बोलता नहीं है। मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। मैं भी शायद आपको मतलब कि इतनी ज्यादा अच्छी ना लगी हो, पर मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। और ये भी बात बोली है कि ईशा मतलब कि बस और निखरो। और सही बात है, ईशा तो है ही मतलब कि डायमंड जैसी लगती है और काफ़ी सुलझी हुई लड़की है। काफ़ी अच्छा अच्छी लगी है उसकी मम्मी की बातें। पर दोस्ती की बात रही भाई, ये दोस्ती टूटने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये दोस्ती जो है वो गेम के लिए नहीं बनी है, ये बस दिल से बनी है। और दिल से जो चीज़ें रिश्ते बनते हैं ना, वो कभी टूटते नहीं हैं, चाहे कितना भी तूफान आ जाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।